मुत्तहिद अरब अमारात में पहली दफा फवाज रेस्टोरेंट पर आपको गुजरांवाला के मशहूर चिड़े मिलेंगे और उनके साथ साथ और भी बहुत सी टेस्टी डिशेस मिलेंगी, बहुत सी कढ़ाइयां हैं। अंदर चलते हैं, दिखाते हैं इसका एम्बियंस कैसा है, इसकी डिशेस कैसी हैं, किचन कैसा है। 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक फ्लैट 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा। उर्दू पॉइंट की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं इजाज़ अहमद गोंदल और आज मैं आपको लेकर आया हूं एक बड़ी ही खास जगह पर, अल नबा एरिया शारजा फवाज रेस्टोरेंट। नाज़रीन, गुजरांवाला के खानों की पूरी दुनिया में धूम है, खासकर गुजरांवाला के चिड़े पूरी दुनिया में अपना मकाम रखते हैं। अगर आप भी मुत्तहिद अरब अमारात, शारजा, दुबई, अजमान, रासुल खैमा रहते हैं या आपका कोई चाहने वाला यूएई में रहता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि अगर आपको परदेश में रहते हुए देश के खानों की याद आए तो यहाँ पे फवाज रेस्टोरेंट पर आपको गुजरांवाला के तमाम देसी खाने मिलेंगे और मुत्तहिद अरब अमारात में पहली दफा फवाज रेस्टोरेंट पर आपको गुजरांवाला के मशहूर चिड़े मिलेंगे और उनके साथ साथ और भी बहुत सी देसी डिशेज मिलेंगी, बहुत सी कढ़ाइयां हैं और खास जो सोशल मीडिया पे फवाज रेस्टोरेंट की ओपनिंग के बाद ही एक धूम मची है अफलातून हलवे की, तो वो भी आपको दिखाएंगे कि और कौन कौन सी खास डिशेज हैं इनके पास। अंदर चलते हैं और दिखाते हैं इसका एम्बियंस कैसा है, इसकी डिशेज कैसी हैं, किचन कैसा है, तमाम चीजें आपको दिखाते हैं कि ये वीडियो बहुत खास आपके लिए होने वाली है। नाज़रीन, फवाज रेस्टोरेंट की जो आउटडोर सिटिंग है विंटर सीजन के लिए वो बहुत ही कमाल है। क्या जबरदस्त कमाल का एम्बियंस है यहाँ पे, आपको लश ग्रीन एम्बियंस यहाँ पे मिलेगा। अब चूंकि यूएई में विंटर सीजन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा लंबा हो गया है, वेदर बहुत अच्छा है, लोग मोस्टली प्रेफर करते हैं बाहर आउटडोर सिटिंग, तो यहाँ पे आपको बड़ा ही जबरदस्त माहौल मिलेगा। आप फैमिली दोस्तों के साथ यहाँ पे आए और यहाँ पे आउटडोर बैठ कर पाकिस्तानी देसी फूड इंजॉय करें। नाज़रीन, आउटडोर सिटिंग के बाद जब जैसे ही आप फवाज रेस्टोरेंट के अंदर मेन हॉल में दाखिल होंगे तो यहाँ पे भी आपको बड़ा ही खूबसूरत इन्वायरमेंट मिलेगा। मुकम्मल एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आप फैमिली के साथ आके बैठ सकते हैं। बड़ा ही खूबसूरत ज़बरदस्त जो है वो यहाँ पे इंटीरियर है, सिटिंग बड़ी खूबसूरत है, फर्नीचर बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो इस्तेमाल किया गया है। अगर आप नीचे मजलस में बैठ के खाने के शौकीन है तो यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत रेड कलर की मजलस आपके लिए बनाई गई है। अगर आप पूरी मुकम्मल एक फैमिली है तो 8 से 10 लोग यहाँ पे बैठ के आराम से खा सकते हैं, तो ये एक मुकम्मल फाइन डाइन रेस्टोरेंट है। फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ आके आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। 56 लोगों की तकरीबन अंदर सिटिंग है और 60 लोग तकरीबन बाहर आउटडोर सिटिंग में बैठ सकते हैं। नाज़रीन, फवाज रेस्टोरेंट के को ऑनर इम्तियाज साहब और रेस्टोरेंट के मैनेजर माजिद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। कब आपने ये फवाज रेस्टोरेंट ओपन किया? हमने ये लास्ट 2 दिसंबर को हमने ओपन किया, तो लेकिन इससे पहले भी हमारा 1991 में अल जुबैलिन में फवाज रेस्टोरेंट मौजूद है। मतलब 1991 से आप यहाँ पे पाकिस्तानी फूड दे रहे हैं, तो ये ब्रांच ओपन करने की क्यों जरूरत पेश आई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, हम 1991 से जो है अपने पाकिस्तानी आज कम्युनिटी को हम पाकिस्तानी फूड दे रहे हैं, लेकिन वहाँ क्राउड ज्यादा होने की वजह से, लोगों का प्यार ज्यादा होने की वजह से, स्पेस ना होने की वजह से, लोगों की जो डिमांड थी कि आप दूसरा रेस्टोरेंट दूसरी ब्रांच ओपन करें, इसलिए हम लोगों के डिमांड और प्यार की वजह से जो है ये ब्रांच हमने ओपन की है। और इम्तियाज भाई, मैंने तो सोशल मीडिया पे बड़ी धूम सुनी है, क्या खास बात है कि ओपन होते ही फवाज रेस्टोरेंट छा गया? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ये लोगों का प्यार है और खास वजह जो है जो हमारा जो गुजरांवाला का गुजरांवाले के जो मशहूर चिड़े हैं जो हम कढ़ाई में भी दे रहे हैं और बारबेक्यू में भी दे रहे हैं, जो वहाँ का ओरिजिनल टेस्ट वो आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके अलावा जो हमारा बारबेक्यू और हमारा जो कढ़ाई है, जो ओरिजिनल गुजरांवाला का जो टेस्ट है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। इस वजह से आपको ऐसा जो धूम सोशल मीडिया पे जो आपको धूम नजर आ रही है, जो आपको यहाँ पे क्राउड नजर आ रहा है, उसका रीजन ये गुजरांवाला का ओरिजिनल टेस्ट और चिड़े हैं जी, बिल्कुल। क्योंकि 12 साल से मैं भी यहाँ पे यूएई में मौजूद हूँ और पहली दफा हमने सुना है कि पूरी दुनिया में अपनी एक मुनफरिद पहचान रखने वाला खाना, पहचान रखने वाली डिश, गुजरांवाला की मशहूर डिश जो है जिसको चिड़े कहा जाता है, जो पूरे पाकिस्तान से, दुनिया से लोग गुजरांवाले खास खाने जाते हैं। मुत्तहिद अरब अमारात में पहली दफा नबा शारजा फवाज रेस्टोरेंट पर आपको गुजरांवाला के मशहूर
चिड़े मिलेंगे, और इसके अलावा क्या देसी खानों में और क्या क्या आप लेकर आए हैं? क्यूज़ीन में हमने देसी खानों के अलावा हमने चाइनीज भी ऐड किया है और कंटिनेंटल में पास्ता भी ऐड किया है, और ये दूसरा जो चिड़ों का मैं दोबारा भी आपको ऐड करता हूँ, मैं ये आपको गारंटी देता हूँ और चैलेंज करता हूँ, हम रात में जो चिड़े कहीं भी आपको ऐसा टेस्ट और ऐसी चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी, और जो खास करके जो गुजरांवाला के मशहूर बारबेक्यू और जो कढ़ाई जो वहाँ का ओरिजिनल टेस्ट है वो आपको सिर्फ फवाज रेस्टोरेंट में मिलेगा और कहीं भी नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है और आपके साथ चैलेंज है। माजिद भाई, क्वालिटी कैसे मेंटेन करते हैं यहाँ की? बड़ी सफाई सुथराई है, हर चीज बड़ी चमक रही है। जी हमें सख्ती से इंस्ट्रक्शन, ये एक ही चीज़ पे हमने जो है ना प्रॉपर वो किया हुआ इंस्ट्रक्शन हमें ऑनर्स की तरफ से कि आप फूड की क्वालिटी को मेंटेन रखें और प्रॉपर हाइजीनिक दे रहे हैं। पूरे शारजा में इतनी हाइजीनिक आपको कहीं भी नजर नहीं आएगी, और इंशाल्लाह ये जो टेस्ट हम दे रहे हैं मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ कि पूरे शारजा में कोई टेस्ट आपको इतना अच्छा नहीं। और यहाँ पे तो हमने देखा है रश लगा हुआ है, यहाँ पे डिलीवरी भी करते हैं अगर कोई घर से ऑर्डर देता है तो? जी एग्जैक्टली, बिल्कुल डिलीवरी करते हैं पूरे शारजा में, कोई भी हमसे कोई भी चीज़ मंगवाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम डिलीवरी करते हैं। फवाज रेस्टोरेंट के किचन में चलते हैं। ये फवाज रेस्टोरेंट का किचन है और हमारे साथ यहाँ के गुजरांवाला के खास शेफ शाहिद इमरान साहब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब क्या बना रहे हैं ये? सर ये मशहूर गुजरांवाला के मशहूर चिड़े जो है ना वो हम बना रहे हैं यहाँ पे कढ़ाई में, ठीक है, एंड बारबेक्यू में भी हमारे पास अवेलेबल है। ये तो आपने धूम मचा दी है गुजरांवाला के चिड़े यहाँ पे लाकर। पहले हमने कभी नहीं सुना था कि यूएई में भी गुजरांवाला के मशहूर चिड़े मिलेंगे, तो इनकी क्या खास बात है? ये सर देखें, आपको गुजरांवाला का पता है कि ये बहुत मशहूर डिश है वहाँ पे, तो लोग पूरी दुनिया से वहाँ खाने के लिए जाते हैं। जो भी पाकिस्तानी है, पाकिस्तान का दिल रखने वाले हैं, जिनका पाकिस्तान के लिए दिल धड़कता है, वो स्पेशल गुजरांवाला जाते हैं गुजरांवाले के मशहूर डिश वहाँ पे आप बनाते रहे ये। बिल्कुल वहाँ पे बना रहे थे, वही टेस्ट यहाँ पे भी आपको अवेलेबल है। और किस कितने तरह के चिड़े हैं? मतलब यहाँ पे हमारे पास दो तरह के चिड़े हैं, एक हम बारबेक्यू पे दे रहे हैं ग्रिल करके और एक हम दे रहे हैं कढ़ाई में। और इसके अलावा क्या खास डिशे हैं जो आप जो है लोगों को यहाँ पे दे रहे हैं, जिनके लिए खास लोग यहाँ पे आए? सर हमारे पास जो है ना कढ़ाई और बारबेक्यू, ये चिड़ों की तरह हमेशा की तरह ये मशहूर गुजरांवाला का यहाँ पे हम टेस्ट लेके आए हैं, बारबेक्यू भी एंड कढ़ाई भी। तो नाजरीन, फवाज रेस्टोरेंट की खास डिशेज जो है वो मेरे सामने आ चुकी है। इतनी ज्यादा डिशेज है, यकीनन आपको देख कर आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। मुझे जो शिद्दत से इंतजार था वो गुजरांवाला की मशहूर डिश जो है वो ये चिड़े हैं जो दूर दूर से लोग गुजरांवाला में खाने जाते हैं। अगर आप यूएई में हैं तो अब आपको गुजरांवाला का टेस्टी चिड़ा शारजा में फवाज रेस्टोरेंट पे मिलेगा। साथ साथ ये फवाज रेस्टोरेंट का खास जबरदस्त फैमिली प्लेटर है जिसमें आप रेशमी कबाब भी देख सकते हैं, चिकन कबाब है, चिकन बोटी है, मलाई बोटी है, ग्रीन बोटी है, और डिफरेंट तरह की जो आपको वेज भी मिलेंगी। और साथ साथ अगर आपको जिक्र किया जैसे चिड़ों का, तो गुजरांवाले चिड़े की अगर आप कढ़ाई खाना चाहते हैं तो ये कढ़ाई की सूरत में भी आपको गुजरांवाले के मशहूर चिड़े मिलेंगे। और एक और खास डिश जो है जो मैंने यहाँ पे ट्राई भी की हुई है, और मैं भी चैलेंज से कह सकता हूं आपको कि पूरे यूएई में इस तरह की शाही दाल आपको कहीं और नहीं मिलेगी। इस तरह की बहुत सी दालें आपने खाई होंगी, लेकिन फवाज रेस्टोरेंट की स्पेशल जो ये शाही माश दाल है ये आपने और कहीं नहीं खाई होगी, क्योंकि माश की दालें बहुत से लोग शौक से खाते हैं, बहुत सी जगहों से मैंने भी माश की दाल खाई है, लेकिन जब मैंने ये ट्राई की थी तो मैंने तब ही सोचा था कि इसकी वीडियो मैंने जरूर बनानी है। ये शाही दाल आपको यूएई में और कहीं नहीं मिलेगी। उसके साथ साथ चिकन वाइट कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई है, और ये खास लाहौरी स्टाइल में तैयार की गई चिकन कढ़ाई है। साथ साथ ये मटन कढ़ाई है जो कढ़ाई में ही लाहौरी स्टाइल में देसी स्टाइल में तैयार की जाती है। उसके साथ साथ ये हांडी बहुत से लोग पसंद करते हैं, तो ये चिकन हांडी है जो फवाज रेस्टोरेंट पर इसी मट्टी की हांडी में ही इसको पकाया जाता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे ये तुर्किश कबाब्स हैं, तुर्किश कबाब प्लेटर भी इसको कहा जाता है, ये भी फवाज का जो बड़ा ही जो है स्पेशल प्लेटर है। इसमें क्या है सर, इसको खोल लें तो सही, इसमें क्या निकलता है? इसमें से स्पेशल एक प्लेटर है जिसको दम दिया गया है। अब ये दम जो है वो खोला जा रहा है। इस तरह का प्लेटर आपको कहीं और किसी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा, खास यहाँ पे शारजा दुबई में। ये थोड़ा तुर्किश स्टाइल का है क्योंकि ये तुर्किश स्टाइल में इसको जो है वो दम दिया जाता है, बेक किया जाता है इसको। तो ये ऊपर से जो है वो रोटी खोली जा रही है। ये देखें जी, ये है स्पेशल फवाज रेस्टोरेंट का प्लेटर। इसमें राइस है, काबली पुलाव इसको आप कह सकते हैं,
पुलाव के साथ साथ कबाब हैं, इसमें मटन बोटी है, उसमें जो है वो चॉप्स हैं, और साथ साथ आपको यहाँ पे चिकन विंग्स भी मिलेंगे। तो ये दिखने में बड़ा खूबसूरत लग रहा है, इसको आप खा के भी आपको ट्राई करके दिखाएंगे इसका टेस्ट क्या। ये भी स्पेशल मटका बिरयानी है जो आपको सिर्फ फवाज रेस्टोरेंट पे मिलेगी, और ये भी इसको भी दम बिरयानी भी आप कह सकते हैं, मटका बिरयानी भी आप कह सकते हैं। और ये देखें, ये बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इसको हांडी में, मट्टी की हांडी में दम दे के इसको पकाया जाता है, और इसको दम बिरयानी भी आप कह सकते हैं, और इसको आप मटका बिरयानी भी कह सकते हैं। मैं तो जो है वो देसी स्टाइल में खाऊंगा। ये देखें, बड़े ही ज़बरदस्त और यम्मी लग रहे हैं मुझे खाने में, दिखने में इतने मज़े के लग रहे हैं, और इसको ट्राई करते हैं। कमाल का टेस्ट है, मुझे तो वाकई गुजरांवाला की याद आ गई है, क्योंकि ये बहुत अरसा पहले हमने गुजरांवाला में खाए थे, और सोचा नहीं था कभी प्रदेश में बैठ कर, यहाँ खासकर शारजा में बैठ कर ये खाने को मिलेंगे। कबाब जो है ये बड़े यम्मी दिख रहे हैं, ये भी ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। ये मलाई बोटी है, चिकन बोटी है, और चिकन टिक्का भी यहाँ पे इनके पास है। तो वही सेम जो शेफ स्पेशली गुजरांवाला के शेफ हैं, वो यहाँ पे इस बारबेक्यू को तैयार करते हैं। वाकई दोस्तों बहुत कमाल का टेस्ट है बारबेक्यू का। ये जो है वो कबाब मैंने खाया है, चिकन मलाई बोटी, चिकन ग्रीन बोटी, उसके साथ साथ चिकन टिक्का जो है, वाकई ही आउट क्लास टेस्ट जो है वो। नाज़रीन यहाँ पे लाहौरी स्टाइल की बहुत सी कढ़ाइयाँ हैं, वो भी टेस्ट करते हैं। स्पेशली खासकर ये जो चिड़ा कढ़ाई है, गुजरांवाला की मशहूर चिड़ा कढ़ाई, वो उसके साथ साथ ये लाहौरी मटन कढ़ाई है जो आपको खास यहाँ पे फवाज रेस्टोरेंट में मिलेगी। उसके साथ साथ ये चिकन वाइट कढ़ाई है, ये भी इनकी स्पेशल कढ़ाई ही है, और मटन कढ़ाई ज़बरदस्त। और उसके साथ अब हम ट्राई करते हैं चिड़ा कढ़ाई, ये गुजरांवाला की मशहूर आपको चिड़ा कढ़ाई की सूरत में भी मिलेगा। और डिलीशियस, कमाल, ये ग्रिल जितना मजे का है चिड़ा, उतना ही मजा ये कढ़ाई की सूरत में है। अगर आप ज्यादा लोग हैं और रोटी खाने के शौकीन हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि चिड़ा कढ़ाई ऑर्डर करें। आपको ये गुजरांवाले के मशहूर चिड़ा भी यहाँ पे आपको खाने को मिलेंगे, और आप याद रखेंगे कि वाकई ही जो देश का जायका है वो हमें प्रदेश में भी मिल रहा है। नाज़रीन ये फवाज रेस्टोरेंट की बहुत ही मशहूर और ख़ास जो है वो चिकन हांडी है। ज़बरदस्त, बहुत सी हांडियाँ आपने खाई होगी, एक दफ़ा जो है वो आप ज़रूर ये फवाज रेस्टोरेंट की हांडी ट्राई करें, बार बार आप खुद ही आएंगे। नाज़रीन ये स्पेशल तुर्किश कबाब जो है, और ये खास फवाज रेस्टोरेंट पे का जो प्लेटर है, ये भी आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ज़बरदस्त टेस्ट है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया है, और मैं उम्मीद करता हूँ और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इंशाल्लाह आपको भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इस तरह का टेस्ट आपको और किसी रेस्टोरेंट पे नहीं मिलेगा। थैंक यू। टेबल पे बैठे ही है जो है वो आपके हाथ धुलाए जाएंगे। नाज़रीन फवाज रेस्टोरेंट की खास बात ये है कि इनके पास ऐसी ऐसी डिशेज हैं जो आपको यूएई में और कहीं नहीं मिलेंगी। अफलातून हलवा आपने कभी नहीं खाया होगा, ये बना सूजी का ही है, लेकिन इनकी जो खास रेसिपी है, उस रेसिपी ने इसको अफलातून बना दिया है। ये खाने में भी अफलातून है, खा के टेस्ट करते हैं। ये खाने के बाद आप कभी भी जज नहीं कर सकते कि ये सूजी का बना है। ये इनकी आई डोंट नो क्या खास रेसिपी है जो आपको सिर्फ यहाँ फवाज रेस्टोरेंट शारजा में मिलेगी। ये अफलातून हलवा वाकई ही अफलातून है, जब आप एक दफा खाएंगे, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि आप इसको, खासकर इस हलवे को खाने बार बार जरूर आएंगे। 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक फ्लैट 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा। अगर आप भी देसी खाबों के शौकीन हैं, गुजरांवाला के मशहूर चिड़े खाना चाहते हैं, और ये अफलातूनी हलवा खाना चाहते हैं, या जो है वो चिड़ा कढ़ाई खाना चाहते हैं, इनका स्पेशल गुजरांवाला का बारबेक्यू खाना चाहते हैं, कढ़ाई खाना चाहते हैं,
तो यहाँ अल्लबा शारजा फवाज रेस्टोरेंट पे आ जाए और गुजरांवाला के मशहूर खानों के साथ साथ 20% डिस्काउंट का मजा ले। मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ एक दफा फवाज रेस्टोरेंट पर आएंगे, इनके खानों के जो जायके हैं वो आपको बार बार आने पर मजबूर करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत है, अल्लाह हाफिज़।